डॉक्टर ईशा भोसले के साथ हम कॉपरेट कर रहे हैं सुरेखा। अगर अभी भी उसे ये हजम नहीं हुआ तो मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो सुरेखा कि जब यशवंतराव भोसले मैदान में उतरता है तो क्या होता है। साहेब, कोई और हथकंडा अपनाने से पहले थोड़ा नरमी से पेश आते हैं। आप ऋषि से कहिए कि उसे अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा कर रखे। बाकी निशि की मदद के लिए घर से खाना बनवा कर भी भिजवा देती हूँ। वहाँ घर के खाने से, निशि की बातों से वो काबू में आ जाएगी। जितना मैं उसे जानता हूँ ना सुरेखा, इससे कुछ नहीं होगा।